नरसिंहपुर में आए राजनीतिक फेरबदल से जिले की राजनीति में अचानक से समीकरण बदलने लगे हैं। हाल ही में नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा भाजपा से कांग्रेस में आए तो जिले में हलचल बढ़ गई। कांग्रेसी होने के बाद पहली बार पत्रकारों से हुए रूबरू संजय शर्मा ने ये कहा कि वो भाजपा में घुटन महसूस कर रहे थे और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद भी मेरी विधानसभा क्षेत्र में तेंदुखेड़ा में किसी तरह का कोई विकास नहीं किए जा रहे थे। कई बार प्रदेश की मुखिया से तेंदुखेड़ा के विकास की बात की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सांसद राव उदय प्रताप से खफा नजर आए और संजय शर्मा ने शिवराज की नीतियों को जमकर कोसा। संजय शर्मा का ये कहना है कि अब उनकी नई पार्टी कांग्रेस है जो जवाबदारी तय करेगी, उसका वो निर्वाह करेंगे। कॉलेज खोले केवल 8 सब्जेक्ट, 3 बार बोला, 4 बार बोला, साल भर 5 साल से यहाँ भाई और दूसरी फैकल्टी खोल दो। और मध्य प्रदेश में बजट जिले में हर जिले में बराबर का बटे, चीन चीन के मंत्रियों की जिस क्षेत्र में जहाँ सड़कें 1,000 करोड़ की बनी, 100 करोड़ की नहीं दी आपने। पार्टी जिम्मेदारी जो लेगी उसमें जाएंगे।